शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, जिनके लिए शराबबंदी हुई वो कह रही हैं शराबबंदी हटा दो। जिसके लिए नीतीश कुमार ने ठेका बंद कराया वो क्यों सरकार से गुहार लगा रही? शराबी मान नहीं रहे, महिलाएं कह रही हैं शराबबंदी अब हटा ही दो। जिन महिलाओं का हवाला देकर सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू की थी, आज वही महिलाएं कह रही हैं शराबबंदी हटा दो। अब महिलाएं तो सड़क पर उतर गई हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराबबंदी कानून की आड़ में पुलिस दोषी के साथ साथ निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। इतना ही नहीं, शराबबंदी कानून की आड़ में छात्र तक को हिरासत में लिया जा रहा है, महिलाओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है। दारू से खुश नहीं छे, ठीक, अगर दारू जे बनाए तो उनके भर में छापा मारी होता है कि जो लोग नहीं बनाए तो ओकरा भर में छापा मारी होता है, ओकरा बाल बच्चा पढ़ल लिखल उठाई लेता है, ओकरा भर में दारू बंद है ओकरा उठाता है, निर्दोष उठा एकदम बेजाबते दरअसल पिछले चार दिनों के दौरान मद निषेध और उत्पाद विभाग के द्वारा बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 135 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनमें से अधिकांश आरोपियों के परिजनों का कहना है कि घर में घुसकर पुलिस जबरन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि उनका शराब के किसी मामले में कोई वास्ता नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए, सैकड़ों की संख्या में जुटी हैं महिलाएं, बिहार सरकार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून के विरोध में हैं। आरोप है कि शराबबंदी कानून के कारण पुलिस बर्बरता पर उतारू है। सरकार भट्टी खोले जहाँ जहाँ दारू अभी चल रहा है, हमरा द्वार में दारू जहाँ जहाँ बिकते चल रहा है, हमरा द्वार हम दारू का भट्टा आकर देखा है, देखो मुसारी पावर छह दारू जहाँ के वो दरोगा का मारता चप्पल देख रहे थे तो सबसे मुसारी और पासी का जान ले रहा है, पासी पाल बचा भूख मारा चाहे तीन दिन से बल बचा चल कर जाए उधर पर सरकार का दारू खोले। एक तरफ बेगूसराय की उत्पाद टीम पर बर्बरता का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की मनमानी भी सामने आई है। दरअसल न्यूज कवरेज के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक पत्रकार की पिटाई कर दी और फिर कई घंटों तक हिरासत में ले लिया। गुलशन कुमार को अंदर ले जाया गया था, अरे कंफ्यूजन था उसको नहीं पता था क्या ऐसा क्या कंफ्यूजन हो गया कि पत्रकारों को अंदर करना पड़ गया, बताइए सर। देखिए उनको लगा कि हम ही भड़का रहे हैं, अच्छा, दंगा भड़काने का आरोप आप पर लगा दिया गया, बाकी कुछ नहीं, बैठ के बात किया कन्वेंस। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके साथ यहाँ पर जो लोग पहले से मौजूद थे बदसलूकी की गई। हाँ, बदसलूकी की गई, गलती मान लिया गया प्रशासन के द्वारा, गलती मान लिया गया और जो सिपाही बदसलूकी किया वो भी गलती माना है एसपी के सामने। फिलहाल उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार इस आवाज को सुनेगा और प्रदर्शन कर रही महिलाओं को न्याय मिल पाएगी, उत्पाद विभाग की मनमानी पर अंकुश भी लगेगा। जीवेश तरुण, बेगूसराय।